हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आपको पता है कि दोपहर को 3 बजे हमारी होती है एक क्लास, जिसे हम सुपर टेट स्पेशल क्लास कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम वो सब्जेक्ट देखते हैं जो सुपर टेट में तो कंपलसरी हैं। तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर और रीजनिंग, ये क्लासेस अभी फिलहाल हमारी चल रही हैं इस सेशन में, क्योंकि रात को जो है आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं और दूसरे चैनल पे आपके जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, ये सब ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। एनीवेज, तो आज हम यहाँ पे थ्योरी देखने वाले हैं कंप्यूटर की। मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं कंप्यूटर के और थ्योरी भी चल रही है। थ्योरी इसलिए क्योंकि जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, भले ही उन्हें कंप्यूटर चलाना आता हो वो अलग बात है, पर एग्जाम में तो थ्योरी पूछी जाएगी, तो थ्योरी पढ़ना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से पढ़े हैं या कंप्यूटर अलग से उन्होंने उसकी थ्योरी पढ़ रखी वो अलग बात है। तो जो वीक है कंप्यूटर में, तो बहुत ही शॉर्ट में हम देखेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो एग्जैक्टली नेटवर्क होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे और कितने टाइप के होते हैं। एक्चुअली बहुत टाइप के होते हैं, बेसिकली हम 3 टाइप के पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं, सब आज एक बार हम देखने वाले हैं। तो देखिए, नेटवर्क का तो आपको मतलब पता ही है कि किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जुड़ा रहना है ना। तो जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर कोई भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो, यानी तार के माध्यम से जुड़े, या फिर अब तो सब वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो किसी भी माध्यम से अगर जुड़ता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, यानी कि वो एक नेटवर्क बन गया। अब ये दो हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल को आपने दूसरे मोबाइल से भी जोड़ दिया, ब्लूटूथ से जोड़ दिया, वाईफाई से, किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, ब्लूटूथ से कर दिया तो यहाँ पे ये भी एक तरह का नेटवर्क ही है। अब इसके अंतर्गत सिर्फ दो नहीं, दो से बहुत सारे हज़ारों तक कंप्यूटर्स को जो है जोड़े जा सकते हैं नेटवर्क के, अलग अलग टाइप के नेटवर्क की वजह से। अब नेटवर्क का काम क्या होता है, देखिए नेटवर्किंग होती क्यों है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करने के लिए नेटवर्किंग होती है। इसका बेसिक एग्जांपल जैसे अभी मैंने ब्लूटूथ का दिया, ब्लूटूथ से आपने दो मोबाइल कनेक्ट कर लिया और एक का डाटा दूसरे को शेयर कर दिया, ठीक है। हम अभी आप जैसे नेट देख रहे हैं, नेट सफरिंग करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो चीज़ सर्वर में है, सर्वर वाले सिस्टम में सेव्ड है, वो आपको मिल जाती है। तो नेटवर्किंग का सबसे बड़ा काम यही होता है कि इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, इसीलिए नेटवर्किंग का यूज़ किया जाता है। और ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को बल्कि पेरिफेरल डिवाइसेस को, हार्डवेयर डिवाइसेस को भी जो है नेटवर्किंग के थ्रू शेयर किया जा सकता है। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई कॉलेज होता है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता है, या कोई फिर कैफ़े वगैरह होता है, तो वहाँ पे कंप्यूटर तो बहुत सारे हैं पर प्रिंटर एक ही होता है, पर वो सारे प्रिंटर सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, सिर्फ एक से नहीं बल्कि सबसे कनेक्ट रहता है। किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट दिया जाएगा तो वो इसी प्रिंटर से निकलेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक हार्डवेयर डिवाइस को भी शेयर किया जा रहा है सभी का, एक से ज़्यादा कंप्यूटर के द्वारा, तो ये भी नेटवर्किंग के द्वारा ही संभव हुआ है। अब थोड़ा सा हम समझ लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा नेटवर्क भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर आ जाता है कि डाटा नेटवर्क क्या है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क को ही कहते हैं, या बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइस और अदर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस का ग्रुप होता है, जो कि एक दूसरे के किसी भी कम्युनिकेशन चैनल, जैसे कि वायर्ड हो, अगर वायर्ड की बात करते हैं तो फाइबर ऑप्टिक केबल, और वायरलेस की बात करते हैं तो वाईफाई, सब इससे जो है परिचित होंगे वाईफाई से, इसके माध्यम से लिंक्ड होकर, कनेक्ट होकर जो भी अपने रिसोर्सेज होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको शेयर कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहा क्या जाता है। देखिए, अगर जो भी डिवाइस, जब दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो डिवाइस क्या है, नेटवर्क डिवाइस कहलाते हैं। आपस में जो डेटा शेयर कर रहे हैं वो नेटवर्क डिवाइस कहलाएंगे। और इसमें जो सिस्टम होते हैं जहाँ से कोई भी डाटा शेयर किया जा रहा है या फिर जहाँ तक पहुँच रहा है, उसको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड, ठीक है। एक नोड से दूसरे नोड तक डाटा जा रहा है, रूट के माध्यम से जाता है। बेसिक एग्जांपल जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ का ही है, तो ब्लूटूथ का सबने यूज़ किया होगा, तो इसमें क्या होता है, ब्लूटूथ के द्वारा ही दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, तब उसमें कोई भी मोबाइल दोनों के बीच डेटा शेयर करने में सक्षम, एक बार कनेक्ट कर लें तो आप इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे भी शेयर कर सकते हैं, उस फ़ोन से इस फ़ोन में भी शेयर करते हैं, तो इनको नेटवर्क डिवाइस कहा जाएगा। कुल मिला के जिस डिवाइस में नेटवर्किंग हुई हो, नेटवर्क से कनेक्ट किया गया हो कोई दूसरा डिवाइस, वो नेटवर्क डिवाइस कहलाएगा। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, पीसी हो, सुपर कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो। अब बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली आपको सिर्फ 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने के लिए मिलते हैं।
लैन मैन वैन बहुत फेमस है। हम लोगों ने जितने मॉक टेस्ट देखे उसमें भी जनरली इनसे क्वेश्चन आते रहे हैं, पर सिर्फ ये तीन प्रकार के नहीं होते हैं। आपको एटलीस्ट नाम तो पता ही होना चाहिए कि ये सब नाम कहीं आ जाए तो आप ये ना हो कि ये क्या चीज़ होती है तो हमने देखी ही नहीं है ना, ये चीज़ ना हो। इसलिए नाम तो हम सभी का देखेंगे, पढ़ना मेन तो ये तीन ही है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इन तीन से ही बनते हैं। पैन भी एक मैं आपको इसको बताऊंगी क्योंकि पैन जो है वो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, और हमारे एक मॉक टेस्ट में ये वर्ड भी आ चुका है। तो लैंड मैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, फिर एक डब्ल्यू लैन होता है यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। है ये लैन ही पर इसमें क्या है, तारों का यूज़ नहीं किया जाता, वायरलेस फॉर्म में यानी कि वाईफाई वगैरह से कनेक्ट किया जाता है। पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी अभी। कैन की बात करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क या फिर क्लस्टर एरिया नेटवर्क, ये तीन इसके फुल फॉर्म हो सकते हैं। तो थोड़ा से फुल फॉर्म में आपको याद रखने हैं, वही सब इन सब से पूछेगा पूछेगा। तो सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, सर्वर एरिया नेटवर्क, स्मॉल एरिया नेटवर्क। ओके, तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये इतने सारे फुल फॉर्म हमें सैन के मिल जाते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेन चीज़ जिन तीन नेट टाइपों के नेटवर्क से क्वेश्चन आते हैं, बहुत जगह आपको ये तीन ही टाइप पढ़ने को मिलते ही हैं, बाकी का नाम भी नहीं मिलता। चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। फाइन, तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, लोकल। लोकल का मतलब क्या होता है, जो बस यही हम अपने आसपास की चीज़ें हैं। तो लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, लैन करता है। अब लोकल कंप्यूटर मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मैंने कैफ़े का एग्जांपल दिया, उसमें जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, कोई एक बिल्डिंग हो गई उसके सारे कंप्यूटर, या कोई एक ऑफिस हो गया उसके सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, बैंक है सब आपस में कनेक्ट है ना, किसी भी सिस्टम से किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, किसी दूसरे सिस्टम को जो है फेच किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो जुड़े हुए हैं वो किस नेटवर्किंग से जुड़े हैं, लोकल एरिया नेटवर्क से। अच्छा, क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस के नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, बहुत ही कम डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है ये सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक ही बिल्डिंग में अगर कनेक्ट हैं, एक दो बिल्डिंग या एक कोई इंस्टीट्यूट बस कनेक्ट है उससे, तो जाहिर सी बात है कि अगर वायर्ड है तो तार भी कम लगेगा, ठीक है, सारी चीज़ें मतलब उसमें कॉस्ट जो है उसकी कम हो जाती है। तो लैन एरिया जो यानी कि लैन जो है नेटवर्किंग, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, स्कूल, घर, ऑफिस, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब कुल मिलाकर लोकल एरिया में किया जाता है इसका यूज़। एक बिल्डिंग में छोटे छोटे लैन इस्तेमाल होते हैं, हालांकि कभी कभी बगल वाले बिल्डिंग्स के नेटवर्क डिवाइस को भी कनेक्ट करने के लिए लैन का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आसपास हैं, अगल बगल हैं तो वहाँ पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, लैन के द्वारा नेटवर्किंग की जा सकती है। कुल मिला के शॉर्ट डिस्टेंस में, लोकल एरिया में नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए लैन का यूज़ होता है, कीमत कम होती है, ठीक है, ये सबसे इसकी बड़ी खास बात हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस नेटवर्क को किसी एक पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है, बहुत आसान होता है इसको मैनेज भी करना। लैन को वाईफाई या ईथरनेट के द्वारा भी इनेबल किया जा सकता है। जब आप अपने वाईफाई कनेक्शन किसी और के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर भी लैन इनेबल होता है, यानी कि आप अपना वाईफाई कनेक्शन किसी और को देते हैं, चाहे अपने घर पे ही जैसे किसी को दे रहे हैं, किसी और ने अपने फ़ोन से आपका वाईफाई का जो है कनेक्ट कर लिया, इस तरह से हम सभी करते होंगे आई थिंक घर में, जिसके पास जो है ज़्यादा डेटाज होते हैं तो वो शेयर कर देते हैं अपने घर के सभी स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स वगैरह को। तो वो क्या हुआ, वो टाइप ऑफ नेटवर्किंग क्या होती है, लैन नेटवर्किंग होती है। तो यहाँ पर लैन वाला जो है लोकल एरिया नेटवर्क वो कहलाता है, लेकिन वो वायरलेस होता है। और जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में जो है पहले यूज़ किया जाता था, अब तो कई जगह जो है वायरलेस यूज़ होने लगा है, बट फिर भी जो है वायर्ड वाला, वायर्ड नेटवर्किंग ज़्यादा यूज़ होती आई है अभी तक। आ जाते हैं मैन पे, मैन जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये जाहिर से बात है कि ये लोकल से तो थोड़ा बड़ा हो गया, नाम ही आ गया मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज समझते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब महानगर, ठीक है, तो बस वही से ये वर्ड समझ लीजिए पिक किया गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन से थोड़े बड़े होंगे, थोड़े ज़्यादा एरिया में फैले होंगे, लेकिन वैन से कम होते हैं, यानी कि लैन से ज़्यादा, वैन से कम, बीच में है ये। इसके द्वारा कोई एक सिटी यानी कि पूरे एक शहर को कनेक्ट किया जा सकता है। एक मैन नेटवर्क बहुत सारे लैन को मिलाकर बनाया जाता है। अब मतलब समझ लीजिए कि ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि एक सिटी मतलब कोई चीज़ है, एक सिटी का एक ही मान लीजिए कोई चीज़ है, जहाँ से पूरे सिटी के नेटवर्क्स को
कंट्रोल किया जा रहा हो। एक छोटा एग्जांपल इसका मैं दे देती हूँ, बिजली का, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो लाइट में क्या है कि एक एक जो है आपके ट्रांसफार्मर लगाए गए, फेसेस लगाए गए, जिससे कुछ कुछ एरिया में लाइट का जो है ट्रांसफर, मतलब कि बिजली की सप्लाई जो है हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो है पूरे एरिया के बहुत सारे ट्रांसफार्मर, बहुत सारी चीज़ों को ओवरऑल पूरे सिटी में कोई एक ऑफिस या एक चीज़ जो है वो पावर हाउस जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो कुल मिला के ये सब छोटे छोटे लैन हुए और ये जो है एक क्या हो गया, मैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है, बिजली का इससे कोई कनेक्शन नहीं है फिलहाल कंप्यूटर से, बस एग्जांपल देने का एक तरीका था। इसके अंदर एक शहर के अंदर हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है केबल टीवी। केबल टीवी एक शहर के बीच स्थित रहता है और वहाँ से अपना केबल पूरे शहर में फैलता है और यूज़र उस केबल के द्वारा उसके सर्विस का इस्तेमाल करता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि सबने सबके घर पर केबल तो लगा ही होगा। पहले केबल लगा होता था, तार खींचे जाते थे, अब जो है आपके डिश टीवी वगैरह लगते हैं, पर चीज़ वही है घुमा फिरा के, ठीक है। तो जब केबल लगा हुआ करता था, सबके सबने यूज़ किया होगा इसको, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक जो है एक जगह से पूरा कंट्रोल किया जाता था, कहाँ पे क्या ब्रॉडकास्ट करना है, क्या नहीं करना है करके, ठीक है। और कभी कभी केबल जब लगा, जब केबल वाला सिस्टम चलता था तो बंद भी हो जाता था, कुछ कुछ समय के लिए केबल बंद हो जाता था, अगर आपको याद होगा तो। यस, तो वहाँ एक जगह से कंट्रोल होता था और वो पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो वो जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैन का हो जाता है। अब आते हैं वैन पे। तो बिल्कुल वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड मतलब होता क्या है, चौड़ा, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब ये लैन, बहुत सारे लैन का कलेक्शन होता है जिसकी रेंज लैन और मैन दोनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। आप ये कह सकते हैं कि पूरा एक शहर, पूरा एक देश, या फिर पूरे एक देश विदेश को जोड़ने का ये काम करता है, यानी कि पूरी दुनिया में ये फैला हो सकता है। यह नेटवर्क बहुत सारे सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट भी करता है, जैसे बहुत सारे लैन या मैन को आपस में ये कनेक्ट करने का भी काम करता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, जो कि हम और आप यूज़ करें। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट का यूज़ करके ही देख रहे हैं, तो मैं कहाँ बैठी हूँ, मैंने इसको कहाँ अपलोड किया और आप कहाँ से देख रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के दुनिया में आप कहीं भी होंगे तो आप देख सकते हैं ये वीडियो, तो किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया से अगर इसको एक्सेस किया जा पा रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी नेटवर्किंग जो है पूरे वाइडली पूरे वर्ल्ड में हुई है ना, एक बहुत बड़े एरिया में की गई है। तो इस नेटवर्क के द्वारा लोग जो है एक जगह से या एक कंप्यूटर से पूरे दुनिया पे कहीं पे भी रखे गए कंप्यूटर यूज़र से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ये सारे इंटरनेट पे आप जो जो काम करते हैं ना वो सब कर सकते हैं कुल मिला के। यह पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब एक चीज़ जो है जो आपको जनरली पढ़ने को नहीं मिलती है, लेकिन आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, प्लस हमारे एक मॉक टेस्ट में पूछा था, इस वजह से इसको हम देखेंगे। पैन, पैन का फुल फॉर्म यहाँ पर्सनल एरिया नेटवर्क से होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत रूप से किसी एक पर्सन के वर्क स्पेस को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे अभी आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपने घर पे कुछ काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे मैं ही अगर मान लीजिए काम कर रही हूँ, तो मुझे अपना फ़ोन भी कनेक्ट करना है, लैपटॉप भी कनेक्ट करना है, सब चीज़ें एक साथ कनेक्ट करनी है, तो या डेटा ट्रांसफ़र करना है एक से दूसरे में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई लैन वगैरह नहीं लगा रखा है, बहुत सारे कनेक्शन हमने नहीं दे रखे हैं, एक से बस दूसरे को जो है कनेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, पैन में बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के भी डेटा ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन यह एक वायरलेस पैन होता है जो कि रेडियो वेव का इस्तेमाल करके डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ इसका, जैसे कभी कभी हो, पहले के टाइम पे होता था कि घर पे एक केबल लगा हुआ करता था, तो आप उससे कनेक्ट करके, घर में अगर दो टीवी है तो आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया ताकि दोनों पे वो चीज़ें आने लगे, केबल दोनों पे लग जाए, चलने लगे, ऐसा भी बहुत लोग करा करते थे पहले के ज़माने में, तो वो वायर्ड हो जाता था। अभी यहाँ पे आप जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं वो क्या हो गया, वायरलेस पैन हो गया। पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, बहुत लंबे एरिया पे नहीं होगा, अगर ब्लूटूथ से आपको कनेक्ट करना है तो आपको अपने यहीं पे जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं उसी रूम में या दूसरे रूम में ऐसे ही होना चाहिए, इतनी ही पास में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम अपनी डेली लाइफ में पैन का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है। तो ये तो तीन प्रकार के जो मेन नेटवर्क थे वो, और साथ में पैन भी हमने देख लिया है, जो पर्सनली हम जो यूज़ करते हैं उसे पैन कहते हैं उस नेटवर्किंग को। आई जस्ट होप कि आपको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ फटाफट से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। कल हम देखेंगे कंप्यूटर का मॉक टेस्ट,
उसके लिए रेडी रहिएगा, कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपके सही हो। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल है एग्जाम दोस्त, उस पर जाके एक बार ज़रूर चेक करिएगा और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि न्यू चैनल है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।